अभी भी देखा है बहुत सारे लोगों ने रुमाल दिया, किसी ने कागज दिया, अब कागज को हम कोने में रख दिए, दो घंटे स्पीच चला तो कभी कागज मेरे पाँव में सट गया होगा, तो वो कोई विवाद नहीं। कुछ लोगों ने राजनीति करने का प्रयास किया, उसके बाद भी मैंने हजार बार मैं माफी मांग लूंगा, माफी मांगने से मेरा कद छोटा नहीं होगा। अगर लगता है कि अनजाने में मुझसे भूल हुई, जैसे किन्हीं की भावनाएं आए हुए, तो मैं हजार बार माफी मांगूंगा। लेकिन हम लोग अभी भी अपने प्रयास में लगे हैं, हमारी टीम लगातार मोर्चे पे है, चुनाव भी है, कहीं कुछ घटना घट रही है हम लोग को वहाँ भी जाना पड़ता है, यानी पूरी चीजों को देखना पड़ रहा है। बाद भी मैंने हजार बार मैं माफी मांग लूंगा, माफी मांगने से मेरा कद छोटा नहीं होगा। अगर लगता है कि अनजाने में मुझसे भूल हुई, जैसे किन्हीं की भावनाएं आए हुए, तो मैं हजार बार माफी मांगूंगा। सम्मान के साथ देखिएगा, हर कोई इसको अपने कंधे पे पहनता है, इसको अपने पैरों तले किस तरह से रौंदे हैं। अरे भाई, भगवा झंडा रखिए आप किसी भी धर्म का, आप भगवा कलर को सर पे लपेटे हैं, ठीक है, तो क्या आप इसको रौंदिएगा? इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर यही होता है कि आप एक आदिवासी को क्या समझते हैं कि नीचे एकदम दबा दे। जरा महत्व को वहां दिखा नहीं, क्यों आदिवासियों का वहां गमछा है? एक मान सम्मान देना चाहिए। अब ऊपर में भगवा गमछा, नीचे में सरना गमछा को पैर तले दबा रहे हैं, ये तो मतलब दबाना पूरा आदिवासी समाज को हो गया। कैसे आदिवासी समाज बर्दाश्त करेगा? ये हमारा पहचान का बात है। तो पूरा रैली में आके आपको माफी मांगे कि हम इस सरना गमछा मेरे कंधे पे है, पूरा हम आदिवासी समाज का मान सम्मान करते हैं। आप भाषा में थे, हम लोग साथ में थे, खतियान में साथ में थे, फिर बोले कुर्मी को इस्टीमी शामिल करना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर मेरा गमछा खूंदिएगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो जरा महतो देघर में जो सरवा में उनका जनसभा था, तो हम लोगों ने देखा जो हमारा जो सरना गमछा, जो हमारा प्रतीक है, हमारा पहचान है, हमारा अस्मिता है, वो तो देखिए कि स्कॉर्पियो के ऊपर में लगा हुआ है। जरा महतो जी 45 मिनट का भाषण देते हैं उसी में चढ़ के, अगर हम कोई खाली पैर हम खड़ा है, मेरे पीछे नीचे चिट्टी भी रहता है तो पता चल जाता है कि नीचे क्या है, नीचे गिट्टी भी रहता है तो पता चल जाता है क्या है। आज नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं झारखंड, तो उनको गमछा दे के स्वागत किया जाता है। हेमंत सोरेन की आप लगातार बैनर में देखिएगा, उनका कंधे में गमछा रहता है। बाबूलाल मरांडी जी का में रहता है, विपक्ष के नेता अमर बोरी जी का में रहता है। लेकिन जरा महतो को वहाँ दिखा नहीं, क्यों आदिवासियों का वहाँ गमछा है? तो एक मान सम्मान देना चाहिए। अब ऊपर में भगवा गमछा, नीचे में सरना गमछा को पैर तले दबा रहे हैं, ये तो मतलब दबाना पूरा आदिवासी समाज को हो गया। कैसे आदिवासी समाज बर्दाश्त करेगा? ये हमारा पहचान का बात है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज विरोध नहीं करेंगे तो अभी जयराम महतो जी बोले माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपको पूरे समाज के बीच में आके माफी मांगना पड़ेगा। जब रैली में उसको खून सकते हैं, तो पूरा रैली में आके आपको माफी मांगे कि हम इस सरना गमछा मेरे कंधे पे है, पूरा हम आदिवासी समाज का मान सम्मान करते हैं। आप भाषा में थे, हम लोग साथ में थे, खतियान में साथ में थे, फिर बोले कुर्मी को इस्टीमी शामिल करना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर मेरा गमछा खूंदिएगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरा गमछा मेरा पहचान है, मेरा अस्मिता है। आज हम लोग कंधे पर रखें, कहीं ना कहीं मेरा आदिवासी समाज का भार मेरे ऊपर है, पूरा समाज का भार ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको बहुत मान सम्मान देते हैं। इसलिए हम लोग पुतला दहन के द्वारा एक आक्रोश दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज आराम हो तो पैर के तले दबा दिए, अगले बार कोई और दबा देगा, तो बार बार इसी तरह का आदिवासियों पे गमछा को दबाया जाएगा। आज मान लीजिए गमछा को दबा दिया, क्या पता कल मेरा सरना झंडा को दबा दिया जाएगा या उसको जला दिया जाएगा, तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा प्रतीक है। अब सफ़ेद और लाल, ये शांति है, सफ़ेद शांति का, लाल क्रांति का प्रतीक है, वही तरह झंडा भी उसी तरह का है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बाहर का गमछा, असम का गमछा, मान लीजिए किसी का भी गमछा है, उसको मान सम्मान देना चाहिए। हम सब गमछा का मान सम्मान देते हैं, भगवा गमछा का भी देते हैं, जो पीला गमछा उनका भी देते हैं, लेकिन सबका सम्मान देना चाहिए, ना कि आप उसको पैर तले कुचल दें। तो मतलब ये कुचलना आदिवासी समाज को, इससे आदिवासी समाज आक्रोश है। ठीक है, जयराम महतो के एक दो सब में रहते हैं, जैसे कि सरना स्थल कमेटी से उठाव कर रहा था राम मंदिर के लिए, तो हमने आशा लकड़ा का ही पुतला जलाया था, वहाँ मेघावरा का भी जलाया था, तो उस टाइप का आज हम लोग भी उसका पुतला जला रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि जरा महतो माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगने से नहीं होगा, उसको पूरे समाज के बीच में, पूरे जनता के बीच में वो माफ़ी मांगे, और इनका मान सम्मान को जो कंधे पे हम लोग रखे हैं, इसको मान को बढ़ाए, ना कि इसको कुचला जाए।